गाइस यार, एक बहुत बड़ी वाली दिक्कत हो चुकी है। मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, ऊपर वाली ना टैंकी की, पानी वाली टैंकी लीक हो रही है। और भाई उसके कारण क्या दिक्कत आई मैं बताता हूँ भाई। ये देखो, ये जो सामान मेरे पीछे रखा हुआ है, ये पूरे सोफे पे, ये ट्रंक्स वगैरह निकाला हुआ है, दोनों ट्रंक निकाले हैं, सोफे पे सामान रखा है भाई। बहुत बुरी, लिटरली बहुत बुरी हालत हो चुकी है भाई। समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है हमारे साथ भाई। आप लोगों को दिखाता हूँ, ये अलमीरा देखो, ये अलमीरा पूरी की पूरी खराब हो गई। ये सबसे बड़ी अलमीरा थी, ये पूरी आप लोगों को दिखाऊँ ना, ये देखो, ये बहुत बड़ी अलमीरा थी, ठीक है। ये पूरी खराब हो चुकी है, इसके हर एक दरवाजा खराब हो चुका है अंदर से। ये देखो, वो देखो, वो पूरी शीट निकल गई इसकी, ठीक है। अबे यार, खुल भाई साहब, वो देखो पीछे से टेडी बियर देखो कितना बड़ा पड़ा हुआ। वो देखो, वो टूट गई है पीछे से शीट, ठीक है। और ये देखो भाई हालत, ये देखो, ठीक है। और ये देखो, आवाज सुनना गाइस, अब जैसे पीछे से सड़ गई होती है ना, वैसी आवाज आ रही है। और ये यहाँ देखो, ये वाला पोर्शन देखो, वो देखो पीछे से टूट ही गई है भाई। अब ये पूरी की पूरी अलमीरा निकालनी है, ये भी रिपेयर होने के लिए जाए, रिपेयर क्या करवानी है, ये पूरी अलमीरा चेंज हो जाएगी, इसकी जगह लोहे की अलमीरा होगी। और भाई ये देखो, ऊपर से पानी टपक रहा है भाई, ये देखो भाई, ये देखो। अभी ये रख देते हैं भाई साहब, वो देखो, ये देखो, ये टपक रहा है ना जो पानी, ये पानी टपक रहा है भैया। पूरी अलमीरा खराब हो गई है, वो चेंज करानी है। अभी ऊपर टैंकी फट गई है, वो चेंज करानी है, लीक हो रही है वो। चेक करो यार, ये टैंकी अभी खोलनी है, ये पूरी टैंकी खोलनी है, ये लीक हो चुकी है। और इसकी जगह ये लगानी है, ये नई टैंकी आई हुई है। अभी ये चढ़ाई हमने यहाँ से, नीचे से चढ़ाई प्लॉट से हमने। बाकी वो देखो भैया, टैंकी चढ़ानी है ऊपर, ऊपर से इतना ज़्यादा लीक हो रहा है ना गाइस। ये देखो भाई, ऊपर वाले जो वॉशरूम है ना, यहाँ पर ये देखो कितना लीक हो रहा है पानी। और ये देखो पूरा हालत क्या खराब हो गई है। पहले घर की ना ऊपर वाली पूरी लाइटनिंग खराब हो चुकी है, वो चेंज करवानी है। अभी यहाँ पर टैंकी चेंज करवानी है यार, मामू के घर की। भैया ये तार लगानी है पूरी भाई साहब, ये देखो इतनी तार। ये आ गया बंदा भाई। भैया बारिश देख लो कितनी तेज आ रही है, नहीं तो वो टैंकी चेंज कर देनी थी। अभी तक बारिश देखो कितनी तेज आ रही है, अभी टैंकी भी चेंज नहीं कर सकते। टूटी भी जो पूरी ठुकी हुई है, अभी उसका भी कोई इलाज नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ इंश्योरेंस पे ठीक करवा के उसको बेच देते हैं यार, 6 महीने नहीं हुए लाए हुए तो। मैं इतने सारे बंदे ठुक गए यार, जान प्यारी यार, मैं गोली मारो, देखते हैं यार टूटी का भी कुछ इलाज करते हैं। पहले फिलहाल घर का देख लेते हैं, लाइटनिंग का पूरा सिस्टम ठीक करवा लेते हैं ना। नाउ गाइस, फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ सामान लेने कुछ नीचे यार, चौक पे। देखो बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है ना भाई साहब, पानी देख लो कितना भर गया हुआ है नीचे। ओ भाई, भैया बारिश देखो कितनी तेज हो रही है भाई साहब। मेरा छाता लेके आया था, पूरा ट्राउजर गीला। ओ भाई, बारिश देख रहे हो कितनी तेज हो रही है। एक ये वाली वायर लेनी है यार, ये स्टील वायर, साथ में 3 टेप भी देना अलग अलग कलर की, बिजली वाली। हालत देख रहे हो क्या होगी, 3 टेप ले ली भाई अलग अलग कलर की, और ये स्टील वायर। चलो भाई अब खाना दे दो, अब बाहर बारिश ही पड़ी है यार। ओ नीचे यार पूरा गीला हो गया यार, पूरा सारा गीला हो गया। अभी ऊपर पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, बड़ा सेपो हुआ यार ऊपर वाले फ्लोर की वायर, वायरिंग। गाइस इतना ज्यादा पानी भर गया, देख रहे हो हमारी नालियां फुल हो गई है भाई, नालियों से बाहर आ रहा है पानी। अब तो भाई एक चिपका हुआ पैरों में। हाँ भाई साहब देख रहे हो कितना पानी, मामू के घर पे पानी चला गया वो अंदर भाई साहब। ये देखो मार तू। गाइस फिलहाल मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, अभी मेरे को बाहर जाना पड़ेगा भाई साहब, बड़ा ज़्यादा पानी आ चुका है। फिलहाल अभी चलते हैं बाहर। उफ भाई साहब, आप लोगों को दिखाता हूँ पानी कितना आया हुआ है। गाइस चेक करो कितना ज़्यादा पानी आ चुका है भाई साहब, ये देखो अंदर से पानी निकाल रहे हैं। ये देखो मेरा पैर पानी में डूबा हुआ है भाई साहब, आगे तो बहुत ही गहरा। वो देखो बच्चा जो आया हुआ है, उसके पूरे अंदर अंदर पानी आ चुका है, देख रहे हो कितने उसके घुट्टे तक है पानी। देखो भाई साहब देख रहे हो भाई साहब, आप लोगों ने देख लिया, वो भाई कितना पानी आ चुका है भाई साहब, आप लोगों ने देख तो लिया है भाई क्या पानी आ चुका है। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाहर यार, बाहर थोड़ा काम करवाता हूँ फिर आता हूँ। फिलहाल गाइज मैंने प्लम्बर लेके आया हुआ था, सो प्लम्बर मिला नहीं, कोई फ़ोन वगैरह किया था पापा ने, प्लम्बर कोई मिला नहीं, लेकिन पापा की ड्यूटी से कोई बंदा आया हुआ है। सो फिलहाल अभी वो चढ़े हैं ऊपर, वो देखो
वो चढ़े हैं, वो कर रहे हैं काम अभी। टैंकी ये पूरी चेंज करनी है, पूरी निकाल के फेंक देनी है, नई वाली ये भाई साहब नई लगानी है। और भाई अब पानी भी कम हो चुका है भाई, पानी चला जा चुका है, अब तो गली भी खाली हो गई है, देख रहे हो पूरा पानी मतलब चला गया हुआ है। फिलहाल गाइस बहुत बुरी हालत हो चुकी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। वो क्यों, क्योंकि भाई साहब वहाँ पर टैंकी भी चढ़ानी है अभी, यहाँ पर भी काम चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा देख रहे हो हालत, पसीना कैसे आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है फिलहाल। अभी उधर वो देखो भाई ऊपर बंदा चढ़ा हुआ, पापा हुआ है नीचे, और देखो भाई टैंकी उधर नहीं लगेगी गाइस। अभी यहाँ देख लिया ना, अभी मेरे को उधर जाना पड़ेगा भाई साहब, इधर भाई को छोड़ के। भाई सुबह से मेरे घर से लेके मामू घर से भाई साहब, ये देखो आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई साहब, ये देखो भाई लाइट भाई साहब, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, भाई बहुत बुरी हालत हो चुकी है भाई साहब। भाई मामू भी आ रहे हैं, उनसे भी कोई सामान मंगाया हुआ है गाइस। बड़ी मुश्किल से चढ़ाई भाई ये, भाई साहब इतना ज़्यादा था ना, इतनी ज़्यादा हैवी हो गई थी ये, 2000 लीटर वाली है भाई साहब, बहुत ज़्यादा हैवी थी, और टूटी हुई यार ये पड़ी हुई है, और ये कहाँ से टूटी है ये देखो भाई, पूरी दरार आ गई है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो। भाई साहब ये पाइप हो रही है गर्म, ये पाइप जैसे गर्म हो जाएगी इसको टैंकी के अंदर सुराख कर देना, मैं नहीं जाता यार, लिया ये नहीं उतरेगा मेरे से ऊपर। भाई साहब सामान पड़ गया कम, फिलहाल अभी जा रहा हूँ सामान लेने, क्योंकि सामान पड़ गया कम, थोड़े निप्पल वगैरह लानी है, सॉकेटें लानी है, सॉकेटें तो हमारे घर के लिए, और निप्पल और वो पता नहीं और क्या क्या लाना है, सो फटाफट से लेके आते हैं। भाई साहब सामान लेने आया था इलेक्ट्रिशियन का, अभी हार्डवेयर का भी लाना है, तो चल भाई साहब। एक और दिक्कत आ चुकी है, हमारा फिल्टर भी ख़राब हो चुका है, और फिलहाल ये टैंकी होगी चेंज, उसकी जगह नई टैंकी लग चुकी है। भाई थक गया यार आज सुबह से, भाग दौड़ कर करके ना भाई, लिटरली थक गया अभी सुबह से ना, टैंकी फिट हो रही है, हमारा फिल्टर भी अभी ठीक हो रहा है, साथ में हमारी पूरी ऊपर वाली स्टोरी की पूरी वायरिंग ख़राब हो चुकी है, वो भी चेंज हो रही है, मतलब एक्स्ट्रा वायर डल रही है, वो पता क्या सिस्टम हुआ यार, हम लोगों को पता नहीं चला, और वो पूरी ऊपर वाली स्टोरी ना सिर्फ इन्वर्टर पे चल रही थी, और भाई जब भी लाइट आ रही थी ना, इन्वर्टर चार्ज नहीं हो रहा था, वो इन्वर्टर प्लस लाइट चल रही थी, और लाइट चली जाती थी तो इन्वर्टर आपको पता है ये पावर ज़्यादा देता है, वो इतने तेज़ फैन घुमाता था ना। ऊपर वाली स्टोरी की ना वायरिंग अब हम लोग हटा रहे हैं कनेक्शन, सिर्फ एक एक लाइट का कनेक्शन दे रहे हैं, बाकी फैंस के कनेक्शन हटा देंगे, क्योंकि यार हमारा इन्वर्टर 2 मिनट भी नहीं टिकता है, नई बैटरी लगवाई थी इन्वर्टर वही है, बैटरी नहीं लगवाई थी उसी चक्कर में, लेकिन अभी पता लगा कि यार पूरी वो वायरिंग चेंज की है, और हालत आप लोगों के सामने ही है भाई साहब। अभी सिर्फ ऊपर वाली स्टोरी पे एक एक लाइट दे देंगे इन्वर्टर का, और बाकी सब लाइट पे रहेगा, और बाकी ये टैंकी चेंज हो चुकी है, और उनको मैं छोड़ भी आया हूँ प्लम्बर्स को, सो वो पापा के ड्यूटी के ही आए थे, सो ये रही टैंकी। और भाई साहब इसका तो बहुत बुरा वाला नुकसान हो चुका है, ये टैंकी मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये देखो भाई ये टैंकी जो है ना, ये टैंकी पूरी की पूरी ये यहाँ तक फटी हुई थी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये टेप लगाई थी जिसने भी पिछली बार जोड़ी हुई थी, तो ये टेप लगाई थी, सो इस चक्कर से ना ये चीज़ पहले की टूटी हुई थी, ये देखो भाई ये पहले की टूटी हुई थी भाई, ये चीज़ ना बस यहाँ से यहाँ तक टूटी थी, सिर्फ इतना सा पोर्शन टूटा था, टैंकी जैसे नीचे उतारी ना भाई साहब ये पूरी की पूरी टूट गई, यहाँ से लेके यहाँ तक भाई ये पूरा पोर्शन टूट गया टैंकी का, क्योंकि ये बहुत भारी है भाई खाली टैंकी भी, और बाकी और आप लोगों को बताता हूँ भाई, मैं पिछली बार जब ठीक करवाई थी ये, सो कहाँ गया यार मार्क, एक मिनट गाइस चेक करो, ये पिछली बार ये एम सील लगाई थी इसको जोड़ने के लिए, और ये देखो भाई ये एम सील जोड़ने के लिए लगाई थी, लेकिन ये आप लोगों को पता है ये ज़्यादा देर तक टिकती भी नहीं है, ये टिक गई थी, ये ठीक है, बट वो पोर्ट टूटा हुआ था, सो अभी तो भाई टैंकी नहीं लगवा दी, और भाई अंदर सिस्टम देखो भाई क्या हालत हो चुकी है, क्योंकि भाई जब ऊपर से 24 घंटे पानी टपकता ही रहता था, 2-3 दिन हो गए, इसलिए मामू ने टैंकी चेंज करवा दी भाई साहब, वॉशिंग मशीन नहीं ली थी, इसकी हालत देखो भाई। भाई ये तो दिखा दी मामू के घर की दिक्कत, और अब आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे घर की भाई क्या कंडीशन हो चुकी है, ये तो पूरा ही बीफ कर रहा है ना, ये देखो भाई
फिल्टर्स इसके चेंज कर दिए हैं। हाँ जी भाई साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। ये देखो इसके फिल्टर्स भी चेंज किए मैंने, ठीक है, हम लोगों ने चेंज कर दिया। अभी भी बीप करता जा रहा है, पता नहीं लग रहा यार हो क्या रहा है। अभी ऊपर वाली स्टोरी आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरे के पूरे बोर्ड खुले रखे हुए हैं क्योंकि उधर वायरिंग खराब हो चुकी है, वायर डाल रहे हैं। अभी आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। ये चेक करो गाइस, ये पूरी वायर डल रही है भाई साहब। हर रूम के बोर्ड खुले रखे हैं, ये देखो, ठीक है, ये देखो भाई, ये देखो, ये बोर्ड हर पूरी मतलब ऊपर वाली स्टोरी के सारे बोर्ड खुले रखे हैं, ठीक है। वैसे फिलहाल आप लोगों को बता देता हूँ, फिल्टर की इस जगह पे एक प्लेट है, प्लेट डली होती है, ठीक है, इतनी मोटी प्लेट डली होती है, ठीक है, वही सड़ गई। ये देखना, ये बीप करता रहता है, ये देखना, ये देखना, जैसे ऑन होगा ना ये बीप करना स्टार्ट कर देगा। ये देखो, सुनो, भाई साहब पता नहीं क्या दिक्कत हो चुकी है यार इसको, फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा भाई क्या सीन है क्या नहीं। अभी इसकी प्लेट चेंज करवाने के लिए शायद कोई आ जाए अभी, क्या क्या पता नहीं आया यार, कुछ समझ नहीं आ रही यार। इतनी सारी प्रॉब्लम्स एकदम से आ गई है ना कि कुछ समझ नहीं लग रहा भाई। बट लेट्स से हम फिर भी खुशी खुशी कर रहे हैं सब कुछ भाई। बाकी फिल्टर अभी ठीक होने के लिए, अगर आ गया आ गया, नहीं तो कल ठीक होने के लिए कोई ना कोई बंदा आ ही जाएगा ठीक करने के लिए। और बाकी रही बात ऊपर की, क्या बोलते हैं, ऊपर वाली स्टोरी की वायरिंग, की वायरिंग भी ठीक होने वाली है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया, बाकी वो भी ठीक होने वाली है। सुबह से लगा है वो बंदा वायरिंग ठीक करने के लिए, बाकी वो भी आज के आज ठीक हो जाएगी। टैंकी हमारी लग चुकी है, बस अब एक और काम है अलमीरा का, वो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। यार गाइस मैं थक गया यार, बहुत बुरा तरीके से थका हूँ बहुत अभी फिलहाल, मतलब ख़तरनाक वाला थका मैं, ऐसे नहीं थका मैं, पता कैसे, क्योंकि यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे, फिर यहाँ से डबल स्टोरी हमारी, डबल स्टोरी उनकी, सीढ़ियाँ चढ़ के उतरना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, उनकी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, उतरना चढ़ना, भाई साहब इतना काम करवाया है ना कि बुरी हालत हो चुकी है। ओ गाइस बड़ी बुरी हालत होगी यार। फिलहाल अब जाके मैं कहीं फ्री हुआ हूँ और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं रात के, और भाई सुबह से लगा था और अब जाके फ्री हुआ हूँ भाई। हाथों की हालत देख लो भाई, परसीनों परसीन हो चुके हैं, पूरी बॉडी परसीनों परसीन हो चुकी है, इतना ज़्यादा थक गया हूँ ना, इतना ज़्यादा भाई क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। बाकी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, हंस के हैंडल कर लेंगे, कोई बात नहीं यार। अभी वायरिंग वगैरह पूरी चेंज कर दी नीचे रूम की, तीन बोर्ड थे, तीन की चार बोर्ड थे, वो चारों के चारों बोर्ड ठीक कराए, ठीक है, ओए बोर्ड ठीक कराए मैंने, ठीक है। और भाई अब क्या बोलते हैं, ऊपर वाली स्टोरी के पूरे ठीक हो गए। अभी इन्वर्टर भी ठीक, देखते हैं ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं तो चेंज कराना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारा फिल्टर भाई साहब फिल्टर हो चुका है ख़राब, फिल्टर हम मैं क्या बताऊँगा, फिल्टर हो चुका है ख़राब। और बाकी टैंकी तो चेंज हो गई है, बाकी अब देखते हैं कि वो अलमीरा कब चेंज करनी है। बाकी यार आज मैं थक गया हूँ गाइस, फिलहाल अभी आप लोगों से मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट दबा के मिलते हैं गाइस जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद और बाय, राम राम सभी को।